वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम अलैकुम। जैसे कि आपने सुना, जहाँ भी माहौलियाती आलूदगी के मनफी असरात मुरतब होते हैं, वहाँ गुरबत की सतह में हमेशा इजाफा होता है। और ऐसी जगहों में एहसास जैसे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जो प्रोग्राम होते हैं, उनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो मुझे आज आपको बताते हुए ये खुशी महसूस हो रही है कि जहाँ एहसास प्रोग्राम ने अपना इदारा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया, एक गैर सियासी, मुनज़म और शफाफ तरीक़ेकार से, वहाँ साहिवाल जैसे अजला को भी नहीं भूला गया और ये एहसास के जो समरात थे वो साहिवाल में भी पूरी तरह पहुँचाए गए। साल 2020 में पूरे पाकिस्तान में 1,50,00,000 ख़ानदानों की एहसास के तहत कफालत हुई है मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए। 180 अरब से ज़्यादा तकसीम हुआ है पूरे पाकिस्तान में। पंजाब में 77,00,000 ख़ानदानों को एहसास प्रोग्राम में शामिल किया गया साल 2020 में, और 92 अरब वफाकी हुकूमत पाकिस्तान ने पंजाब में तकसीम किया एहसास प्रोग्राम के तहत। साहिवाल में 5,04,000 घराने एहसास प्रोग्राम से 2020 में मुस्तफीद हुए हैं। इसके अलावा एहसास के दायरा कार में कई प्रोग्राम, एहसास किफालत, एहसास एमरजेंसी कैश, एहसास बिलासूद कर्ज़ा, एहसास के दायरा कार के अंदर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के वज़ाइफ और एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप से भी बहुत से लोग साहिवाल में मुस्तफीद हुए हैं। इन तमाम प्रोग्रामों का दायराकार मजीद बढ़ाया जा रहा है वज़ीर आज़म की हिदायत पे, और साल 2021 हमारे लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। साल 2021 के पहले 6 माह हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि इन 6 महीनों में एहसास का सर्वे पाए तकमील तक पहुँचेगा। ये सर्वे अभी 65% कम्प्लीट है और बहुत तेज़ी से ये कम्प्लीशन की तरफ काम बढ़ रहा है। इस सर्वे में हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हकदार लोग जो हैं, जो सही हकदार लोग हैं, उनकी निशानदेही हो और उन तक एहसास के समरात पहुँचें। तो आज सुबह मेरी साहिवाल में कुछ ऐसी बहनों, भाइयों, बेटियों और बेटों से मुलाकात हुई है जो कि एहसास प्रोग्राम के नए सर्वे के तहत इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रही हैं, और उनको देख के मुझे और मेरे सीनियर अमले को ये यकीन हुआ, ये इत्मीनान हुआ कि हमने एहसास प्रोग्राम को वाकई ही वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक, एक गैर सियासी और कवायद ज़वाबित के मुताबिक, ऐन मुताबिक एक शफाफ प्रोग्राम बनाया जिसमें लोगों को सिर्फ मेरिट पे ही और सिर्फ हक वजीफे मिलते हैं और सिर्फ हकदार के हाथ में ही उसका हक जाता है। आज मैं एक ऐसी बहन से मिली जिसके बच्चे 3 दिन से भूखे थे, और मुझसे मिलते हुए और हमसे बात करते हुए वो औरत जारो कतार रोने लगी। वो बहन एहसास किफालत में शामिल हो रही है। आज सुबह मैं ऐसी माँ से मिली और वो भी ज़ारो कतार रोने लगी मुझे ये बता के कि वो अक्सर अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजती क्योंकि उनके पास ठीक जूते नहीं हैं, उनके पास स्कूल बैग नहीं है, उसको किताबें लेने के पास उसके पैसे नहीं हैं। और हमें ये देख के बहुत खुशी हुई कि ऐसी माओं के बच्चे जो हैं अब एहसास के प्राइमरी स्कूल के वज़ाइफ से मुस्तफीद होंगे। बहुत सी ऐसी बहनों से हम मिले जिन्होंने एहसास एमरजेंसी कैश के पैसे लेके अपनी दुकानें डालीं, अपनी रेड़ियां चलाईं, अपने ख़ानदान को अपने पैरों पे खड़ा किया और गुरबत के चंगल से निकाला। और आज हमने बहुत से ऐसे तालिब इल्मों से भी बात की जो अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ छोड़ देते अगर उनके लिए एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के ज़रिए एक शफाफ निज़ाम से उनको स्कॉलरशिप, ट्यूशन फ़ी और ख़र्चा ना मिलता। तो आज एहसास प्रोग्राम से बेवा, यतीम, मज़दूर, माजूर
गरीब तालिब इल्म, गरीब बीमार, गरीब हुनरमंद जो हैं वो मुस्तफीद हो रहे हैं, और इसका दायरा कार बढ़ाने की हमें डायरेक्शन मिल गई है, बजट मिल गया, और इंशाल्लाह इस पर तेज़ी से काम जारी और सारी है। आखिर में मैं बेटी खिजरा को कोट करना चाहूँगी। जब सुबह खिजरा से हम मिले, जो कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की रिसिपियंट हैं, तो खिजरा ने हमसे एक बात की। उन्होंने कहा कि एक ज़िम्मेदार रियासत ने, एक ज़िम्मेदार हुकूमत ने हमारे सिर पे हाथ रखा है और हमारा एहसास किया है। ये हमारे पे कर्ज है, ये हमारे पे कर्ज है, और ये कर्ज़ हम ज़रूर चुकाएंगे। और जब वो बच्ची ये बोल रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि कौमें इसी तरह बनती हैं, जब हुकूमतें और रियासत हकदार लोगों के हाथ में उनका हक पहुंचाती हैं, और जब लोग कर्ज उतारने के लिए कौमें बनाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।